स्टोन एज मजेदार लेकिन रहस्यमय काल। चीना साहब, क्या आपने कोई आवाजें सुनी? क्या हो रहा है आपको? हुआ क्या है डॉक्टर? इन सब के बाल तो देखो। तेज बुखार और चित्त भ्रम, इस किताब का इन पर गहरा असर हुआ है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अभी तो कुछ भी नहीं, कोई गलती हुई तो इनके दिमाग को जानलेवा शॉक लग सकता है। तो इसका मतलब है कि हमारे संस्कार स्टोन एज काल के होने चाहिए। नाटक करना होगा, सबको आदिवासी बनना पड़ेगा। स्टोन एज स्टील एज, क्या नौटंकी है। मैं तो बोलता हूँ कि जेलर के सिर पर यह डंडा 3-4 बार मारो तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे भाइयों, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? ये फैशन में चेंज आया है, एनिमल प्रिंट मार्केट में नहीं है, पर डॉगी का प्रिंट कहाँ है? मुझे भी अपनी डिजाइन क्रिएट करके स्टाइल आइकन बनना चाहिए। हमारा सपना था कि हमारा भी इतना गहरा दाढ़ी हो। हमका स्टोन एज बहुत पसंद आया। अब जब गार्ड्स के पास बंदूकों की बजाय डंडा आ गया है, यहाँ से कल्टी खाना आसान हो जाएगा। अच्छा, लेकिन भागने में आसानी कैसे होगी भाई? क्योंकि बंदूक की गोली दूर तक जाती है, डंडा नहीं। इसीलिए इसीलिए मैं बताता हूँ किस लिए। ये डंडा है, ये होता है डंडा, समझा क्या? कोई शक? अब कोई शक नहीं है। जो भाड़े के कपड़े क्यों गंदे कर रहे हो तुम? चुप हो जा। बंदूकों से अच्छे तो ये बड़े डंडे हैं। हाँ लेकिन थोड़ा छोटा होता तो पकड़ने में आसानी होता। मुझे लगता है भागना इतना आसान नहीं होगा। आपको कैसी लगी? जेलर साहब, क्या अच्छे संस्कार है। अरे मेरे भाई, तुम यहाँ हो, देखो मैंने दूर से पहचान लिया। मस्त वाला आइडिया है। सबकी नजर हमसे दूर हो जाए, इसलिए हमें एक छोटी सी आग लगानी होगी। आग! तो डाल्टन्स, आग से खेल रहे हो? तुम इन दोनों से हमें नहीं रोक सकते। सेफ्टी के लिए हम लोग इसको भी रखा हुआ था। उन्हें हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला? यकीन नहीं होता कि इस घोचू ने दीवार पर तस्वीर बना दे। अच्छी तस्वीर है ना? है कि नहीं भाई? आखिरकार किसी ने तो मुझे पहन लिया। जेलर साहब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, इसलिए हम वर्कशॉप इस गुफा में जारी रखेंगे। किस प्रकार का वर्कशॉप मैडम? सिलाई का वर्कशॉप। सिलाई? आने वाली ठंडी रातों के लिए स्वेटर बुनना, यही तो हमारे संस्कार है। मैं तो लोहे के पत्थर तोड़ना पसंद करूंगा। चिंता मत करो भाई, एक मस्त वाला आइडिया आया। कैसे हो राइनो? मेरा नाम शेरू है, मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? और इस कलाकारी के सहारे हम सबको मिलेगी आजादी। हाय, तुम कितने होशियार हो। लेकिन आज तक घमंड नहीं किया। आज से लोग मुझे स्टाइलिश शेरू बुलाएंगे, देखना। Ah, 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 ah,
मुझे लगता है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। आज नहीं तो कल ठीक ही हो जाएंगे। ओ जमाने का तो बात ही कुछ और था। चलो भाइयों गुफा में पतली गाली पकड़ते हैं। और तेज और तेज। हे भाग गया, डर गया। अरे नहीं जेलर साहब गिर जाएंगे। आगे खाई है, गति धीमी करो मेरे भाई। इसमें ब्रेक नहीं है। अरे शेरू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजीब है, लगता है बड़ा सपना देखा होगा। मैंने सुबह से क्या किया मुझे कुछ याद नहीं है। जेलर साहब, मिस बेटे, ये तुमने क्या पहन रखा है? आपके पुराने संस्कार वापस आ गए हैं। हमें जेल वापस जाना चाहिए। स्टाइलिश शेरू अगले साल आपके लिए लाएगा एक नई फैशन स्टाइल मेरी प्लेनेट से। अब बस 75,000 देने बाकी है। वो एक दुकान है कि मेरा सपना। क्या का असली नहीं है? मुझे रात को भूख लगी थी तो पेंटिंग बना ली। सही किया ना भाई ना। अवरल, तुम्हारी पेंटिंग ही हमें यहाँ से भगाएंगे। समझ गए? दरवाजे पे दीवार और दीवार पे दरवाजा बनाओ, जिससे गार्ड्स नकली दरवाजे की रखवाली करेंगे और हम असली दरवाजे से कल्टी खा लेंगे। समझे? अब काम पर लग जाओ मिस्टर। चलो अब अपना टैलेंट दिखाओ। अरे ऐसे मुझे देखोगे तो मैं नहीं करूंगा। तुम्हारी पीठ मुझे देख रही है। जाते हैं, लेकिन अच्छी पेंटिंग करना, बिल्कुल उस दुकान के जैसी। बिल्कुल उस दुकान के जैसी। दुकान क्यों बनाई? तुमने ही तो कहा था ना जो। अल्लाह मुझे, मैंने दीवार पे दरवाजा और दरवाजे पे दीवार बनाने को कहा था। रात को फिर से करा और बस भागने की सोचो। और बस भागने की सोचो। भैया दुकान खुल जाए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? ग्राफिटी, ये मेरी जेल बिगाड़ रहा है। वो एक संस्कारी आर्टिस्ट है, यही उसके संस्कार हैं। अच्छा ऐसा क्या, चलो ठीक है मुझे चलेगा। ये क्या किया, क्या किया गया? तुमने बीच पेंट किया, बीच। तुमने कहा भागने का सोचो, लोग बीच पे भागते हैं तो बीच बनाया। ये क्या, बीच भी बंद कर रखा है? मेरे भाई, गार्ड्स दरवाजे संभालते हैं, दीवाल नहीं संभालते, दुकान नहीं संभालते, बीच नहीं संभालते। तो सुनो, तुम दरवाजे पर दीवार बनाओगे और दीवार पर दरवाजा, जिससे गार्ड्स नकली दरवाजे की रखवाली करेंगे और हम असली दरवाजे से कल्टी होंगे। लेकिन बात में लॉजिक नहीं है जो, क्योंकि दीवारों में कभी ताला नहीं लगता। तुम समझते क्यों नहीं? तुम कुछ काम के नहीं हो, कुछ नहीं आता तुम्हें, तुम्हें कुछ नहीं आता। बैठ जाओ, पड़े रहना यहाँ पर लंबूचान। तुमने हद की भी हद पार कर दी है भाई। मैं अब पेंट ब्रश को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं अब तुम्हारे लिए कोई भी पेंटिंग नहीं बनाऊंगा और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर ये क्यों थक रहा है? कोई नहीं, यह नहीं तो मैं पेंटिंग करूंगा। तुम दरवाजा देख लेना, मैं दरवाजा देख लूंगा।
इसके संस्कार थोड़े से अलग हैं। मुझे दुकान ज्यादा पसंद थी। वक्त है असली दरवाजे से भागने का भैया। गार्ड्स, तुम अपनी जगह पर क्यों नहीं हो? मैं दरवाजे पे जो हूँ। पेंटिंग के पास क्यों खड़े हो? यहाँ तो बस एक ही दरवाजा है ना सर। दरवाजा कहाँ गया? डिलीवरी मिल गया। चलो जल्दी। मुझे शक हुआ था, इन्हें ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। अब क्या? यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? अरे मैं इमेजिनेटिव पेंटिंग कर रहा हूँ, देखना चाहोगे? टूर पे जाना चाहोगे? हाँ ले चलो। और इस तरह मैंने सारी पेंटिंग्स बनाई। मुझे म्यूजियम में सबसे अच्छी चीज लगती है एक्सेट। चलो इस तरह। ये है मेरे हाथ का एक और कमाल। उस तरह शायद वो वहां गए हैं। उस तरफ गए होंगे। पूरा दरवाजा। और ये मेरे दूसरे हाथ का कमाल। पूरा पकड़ा। होगो जल्दी। चल। अब क्या करेंगे बताओ? इस गुफा में चलो। कमाल। यहाँ क्या मजाक चल रहा है? एक नंबर के घनचक करता हूँ। तुम लोग आ रहे हो? असली ट्रेन की आवाज तुमने निकाली क्या? अगर हम सच कहेंगे फिर भी यकीन नहीं करोगे। बना क्या? बन गया। ये हुआ। इस बार कमाल क्यों नहीं हुआ? फिर कोशिश करता हूँ। ये कैसे संस्कार हैं? ये इनका नया प्लान है और मुझे बड़ी हंसी आ रही है। सच्चे कलाकार की कदर ही नहीं। क्या तुम मेरे प्लैनेट से आए हो? एक्सक्यूज मी मिस बेटी, जरा यहाँ आइएगा। एक संस्कारी ब्रेक लो। गांव के सरदार का जन्मदिन? ऐसा लगना चाहिए कि हमें उनकी कदर है। एक अच्छा सा तोहफा भेजो। क्या संस्कारी बांसुरी चलेगी? कुछ हिस्टोरिकल जो सालों तक याद रहे। एंटीक मूर्ति, 7 फुट लंबी, संस्कारों से भरपूर एक एंटीक मूर्ति। आइडिया बुरा नहीं है। चलो जल्दी बनाना शुरू करो क्योंकि बर्थडे कल ही है। इतना बड़ा मूर्तियों भी एक दिन में नहीं बनेगा। क्या कहते हो पतलू, लगी 10-10 के? 20-20 की। मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर देना, यही तो हमारे संस्कार है, है कि नहीं? अरे मैं मूर्ति बन गया हूँ। कब चाहिए ना? समझो काम हो गया, कोई शक? क्या तुम एंटीक मूर्ति बना सकते हो? जो बना सकता हूँ, मैंने स्कूल में 3 साल का 6 महीने में कोर्स किया है। वैसे मूर्ति बनाने के लिए मुझे बहुत शांति चाहिए होगी। क्या हमें स्टोर रूम मिल सकती है मैडम? अरे स्कूल में कहाँ कोई 3 साल का कोर्स था भाई। हाँ, हम स्कूल ही कब गए थे? मस्त वाला आइडिया है। अरे सुन के डिसाइड करेंगे। अरे बेवकूफो, असली की मूर्ति नहीं बनाएंगे, हम लोग खुद ही मूर्ति बनेंगे। यार मूर्ति बन गया, कोई शक? आकर देख लो।
अरे वाह वाह, कितनी संस्कारी मूर्ति है। इस ससुरा मूर्ति को कहीं देखे हैं पर याद नहीं कहाँ। बहुत बदसूरत है। मिस्टर जो, कहाँ हो तुम मिस्टर जो? मूर्ति बनाने में तेल निकल गया इसलिए सोने जा रहे हैं हम। क्या फर्क पड़ता है, पैक करके डिलीवर कर दो। काम हो गया, उन्हें कुछ पता नहीं चला। शाबाश मेरे भाई। मुझे इस मिट्टी से बहुत खुजली हो रही है। अरे लेकिन खुजा नहीं सकते। गांव के सरदार के लिए ये 100 साल पुरानी अंतिक मूर्ति हमारी तरफ से। हैप्पी बर्थडे। अच्छा हुआ वो घटिया फ्लूट नहीं थी। वो एंटरटेनिंग डांस शो का आयोजन करते तो भी चलता। आपके काले बालों का क्या सरदार? मूर्ति तो घटिया है लेकिन तोहफा तोहफा होता है तो रख लेते हैं। आज का दिन सेलिब्रेट करने के लिए एक शानदार और जानदार पार्टी का आयोजन किया जाए। आई बात समझ में? रात खत्म होते ही पतली गली पकड़ेंगे, तब तक हिलना मत। इतनी बड़ी चॉकलेट कैंडी। अरे चाटना बंद कर बेवकूफ। बाथरूम जाना है। कितना नाचोगे रे? 3 रात तो हो गई यार। आखिरी रात, आज कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा भैया। जैक, विलियम, अप्रैल, उठ जाओ। अप्रैल, कुछ कहा भाई? भाई 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 भाई। चलो भागो। ये मूर्ति बार बार अपना शेप बदल रही है, मैं इसको एक अच्छा शेप दूंगा। ठीक है, तो क्या करो? क्या सरदार नींद में? क्या भाई भागो! चार भाइयों को एंटीक मूर्ति बनाने का बहुत शौक है ना? एक रिटर्न एंटीक गिफ्ट की बोलने को तैयार। सब कुछ समझा सकते हो जेलर साहब? जरूरत नहीं, कल मेरे भांजे का बर्थडे है, तुम्हें वहाँ मूर्ति बनकर जाना होगा। डाल दो इन्हें सेल में। हाँ, मुझे लगा मटकी के अंदर चॉकलेट कैंडीज होंगी। कैंडी? मुझे कैंडीज बहुत पसंद है। ये क्या कर रहा? मेरा मुंह क्यों चाट रहा? हर बार मेरा मुंह क्यों चाटता है? ला 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 लो ला 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 ला। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ। ब्रेड की क्वालिटी खराब आती है। क्या हम खुद का ब्रेड नहीं बना सकते? हमारे पास गेहूं है, हम संस्कारी आटा तो बना ही सकते हैं।
तो आटा बनाओ, तुम्हारे संस्कार कब काम आएंगे। ब्रेड बनाने में कोई मदद चाहिए? ताकि तुम जैसे लोग भाग सको। नहीं, ना बिल्कुल नहीं, ये तो इसीलिए क्योंकि हमें आटा गूंथना आता है। क्या बात है, मुझे तुम्हारी संस्कार बहुत पसंद आए। थैंक यू। इन पर नजर रखना, ठीक है? डू नॉट भारी है। हम आटा बनाएंगे, लेकिन हमने ये पहले कभी नहीं किया भाई। चुप रहो, ये मस्त वाला आइडिया है। कोई मेरी मदद कर सकता है क्या? एक रॉकेट मिल गया, इंजन चालू करो। आइडिया क्या है भाई? ये पहिया देख रहे हो, इन्हें यहाँ लगाएंगे और फिर पश्चिमी हवा की मदद से भाग जाएंगे। प्लान है तुम्हारा? अरे यहाँ बर्फ गिर रही है क्या? चप्पल गंजू, सो रहे हो का? गुनिया खुद ब खुद गाड़ी में बैठ जाएगी। ए टोपी, यहाँ वापस आ जा। ए! चलो निकलते। आइडिया काम कर गया, अब मिलेगी आजादी। ये तो पूरी चक्की उठा ले गए। हाँ, अरे जल्दी चलो, हम लोग के ब्रेड बटर का सवाल है। देखा भाइयों, मेरा आइडिया कितना स्मार्ट है, लेकिन हमें ब्रेड बनाना नहीं आता, क्योंकि मैं वो खरीद सकता हूँ। इस बार तो वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे, कोई शक। आटे से रास्ता बना गए, पकड़ना तो हो गया है इजी। एक घंटे को सुई गिरने का भी आवाज नहीं करना चाहिए। और वक्त आने पर हंटर को हथियार भी उठा लेने चाहिए। चलो गाड़ी को घुमाओ। नहीं हो रहा, रफ्तार बहुत तेज है। इन्होंने तो गांव के लालों को सफेद में तब्दील कर दिया। गांव वाले हार गए हमसे। अरे भाइयों, क्या करना पसंद करोगे? गांव वालों की मार खाना या खाई से नीचे गिरना? अच्छी है। मेरा रॉकेट लॉन्च हो गया, अब मैं मेरे प्लेनेट जा सकता हूँ। जो अब मैं थक गया। शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। अरे शेरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बहुत ही अच्छे डॉगी हो। सब पंख पर चढ़ जाओ। ये
इससे अच्छा तो हम शांति से आटा बना लेते। ओ देखो एंजल्स। तुम डाल्टन सच में हमारे ब्रेड और बटर हो। ये लट्टू सा सूखा ब्रेड और पानी। वो एक बहुत ही संस्कारी दिन था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से एक बहुत ही असंस्कारी घटना घटी। उसने चॉकलेट का रैपर खोला लेकिन अंदर चॉकलेट ही नहीं थी। यार ये क्या तुम बच्चों की कहानियां सुन रहे हो? आजाद होने का सोचो। जितनी किताबें पढ़ोगे उतने ही आजाद रहोगे। पढ़ना यही हमारे संस्कार है और आजादी की खिड़की भी यही है। जितना पढ़ोगे उतना आजाद होगे। आजाद है ये। वाह वाह, पहली बार मैं डाल्टन्स के हाथों में किताबें देख रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ? देख नहीं रहा, गड्ढा खोद रहा हूँ। संस्कारी मैडम ने कहा है हमें किताबों से आजादी मिलेगी। अकल के दुश्मन, उनका कहने का मतलब था किताबें पढ़ने से आजादी मिलेगी, किताबों से खोदने से नहीं। अब चलो जल्दी से पढ़ना शुरू करो। ये क्या है? ये एक तर राजा के आज आज पहले पांच में पांच हजार साल पहले क्या हम आजाद हो गए? अब तक तो नहीं है। पढ़ते रहो। हम अभी भी यही हैं और नहीं हम आजाद हो गए क्या? हम अभी भी यहीं पर हैं। भाइयों जल्दी से उठ जाओ, मिल गया एक मस्त वाला आइडिया। हम वैसे ही भागेंगे जैसे ये चूहा पिंजरे से भागा था, मार के। मुझे पता है डाल्टन्स ने फिर भागने की कोशिश की होगी। उससे भी बुरा हुआ। ये सब तो टपक गए, कल तो बेचारे किताबें पढ़ रहे थे। स्टैचू वाला गेम, हिला मत, मैं भी खेलूंगा। खाना तैयार है, आ जाओ। खाना मैं आ रहा हूँ। एक बंदा आउट हो गया। चलो सब इमरजेंसी। डाल्टन्स फिर से मर गए। दूसरा राउंड। सॉरी भाइयों, मुझे माफ करो, मैं अपने आप को पैसों के आगे रोक नहीं सका। हम सभी की कोई ना कोई कमजोरी है। मैं फिर जीत गया। जेलर साहब, इमरजेंसी। बस अब बहुत हुआ, हम साइंस की हेल्प लेके पता लगाएंगे कि सच क्या है। जो आउट। जैक आउट। विलियम तुम भी आउट। बकवास, उस चूहे वाली किताब में सब कुछ बेकार लिखा था। नहीं, 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 नहीं,
डाल्टन्स, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। एवरल हमारे तीसरा राउंड कब शुरू होगा बताओ ना। ये शायद अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतनी मेहनत करने के बाद आराम करना बनता ही है। मेरे भाई। खाना तैयार है। पहली बार तुम हमारे किसी काम आ रहे हो एवरल। बस ये मरने का नाटक चालू रहने दो ताकि हम यहाँ से भाग सके। नाटक? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा कम खाएगा तो पतला नहीं हो जाएगा। एक्चुअली मुझे पतला होना है। हाँ तो फिर बाद में खा लेना। अरे नहीं नहीं, खाना तो मुझे अभी चाहिए। मैं तुम्हें बाहर बहुत सारा खाना खिलाऊंगा, लेकिन पहले तुम अपनी आखिरी इच्छा लिखो कि तुम्हारा अंतिम संस्कार हम तीनों अपने गांव में ही करें। वो करने हम बाहर जाएंगे और बाहर से फिर। एवरल जो बहुत खाना खाता था अब वो हमारे बीच नहीं रहा। इसका मतलब अब हम सबको भरपेट खाना मिलेगा। मैं ये नहीं देख सकता। गार्ड्स, दरवाजा खोलो। रुक जा। एवरल ने अपनी अंतिम इच्छा लिखी थी कि उसे वो दीवार के सुरंग से बाहर निकाला जाए जो वो कभी पार नहीं कर सका। तो नहीं जा रहा है इसमें से। नहीं, इसे जाना ही होगा वरना भाग नहीं पाएंगे। मैं दूसरी तरफ जाके कोशिश करता हूँ। तुम धक्का देना। चलो धक्का दो। बहुत भारी है। मुझे लगता है ये तीन लोगों का काम नहीं है। ये तो मैं हूँ ना छोटा, मिलकर काम करेंगे भाइयों। अकल के दुश्मन, अगर तू ना होता तो हम कब के भाग जाते। मेरे किताब का क्लाइमेक्स बिल्कुल ऐसा ही था। मैं किताब लिखूंगा और उसके क्लाइमेक्स में मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। आज के संस्कार क्लास में जादूगर जोजो एक जादुई लड़की की मदद से हमें पानी ढूंढकर बताएंगे। इस जादुई लकड़ी से आप रेगिस्तान में भी पानी ढूंढ सकते हो। ये पानी मुझे अपनी तरफ खींच खींच। Very interesting जादूगर जोजो, लेकिन इससे पहले कि बाढ़ आ जाए गड्ढा बंद कर देते हैं। यारे, मस्त वाला आइडिया आया है। जब चाहो तब पानी मिलेगा। इसका मतलब अब इस जेल में कभी पानी की शॉर्टेज नहीं होगी। कभी नहीं होगी। ये जादुई लकड़ी है ना? जादुई लकड़ी गुम हो गई। ये देखो मैं क्या लाया। कौन से झाड़ की है ये लकड़ी? ये नहीं, जादुई लकड़ी है। इसकी मदद से हम पूरे जेल को पानी पानी कर देंगे और जब बहुत पानी होगा तो जेल में बाढ़ आ जाएगी। और फिर? और फिर उसमें मजे करेंगे और क्या। अरे नहीं धंचक करो, बाढ़ आएगी तो जेल खाली कर जाएगी और फिर हम आसानी से भाग जाएंगे, समझे? यार पानी, मुझे तो अपनी तरफ खींच। यहाँ पे अब यहाँ पे और यहाँ पे भी ये देखो यहाँ पे भी यहाँ पे भी और यहाँ पे किस्सा मैं अपनी किताब में छापूंगा। अब चलो। ये थोड़ा खेल के जाते हैं ना। मैं यहाँ कैसे? किसी ने फिर से बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया होगा। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है जेल खाली करना चाहिए। इससे तो अच्छा है पानी खाली कर दे हम। दरवाजा पानी के अंदर है और मैं तैर भी नहीं सकता। हमको भी नहीं आती। अब क्या करेंगे सर? पता नहीं,
ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। अरे जेल खाली करो और कोई तरीका नहीं है। एक मिनट रुको, जरा मुझे सोचने दो। मौके का फायदा उठाकर स्विमिंग करते हैं। वैसे भी मैं छुट्टी लेकर बीच पे ही जाने वाला था, मजा आ गया। जेलर साहब, पानी का टेम्परेचर तो ठीक है ना? विश्वास नहीं हो रहा कि वो जेल ही नहीं खाली कर रहा है। तुम्हारा प्लान डूब गया। किसी को नीचे जाकर दरवाजा खोलना पड़ेगा। मैं नहीं तैर सकता भाई। जब तक हम तैरना सीख लेंगे तब तक तो पानी उबल जाएगा मेरे ख्याल से। अपने पैरों को एक संस्कारी मेंढक की तरह चलाओ। लेकिन वो पानी के इतने अंदर कैसे गया? खाना खा खा के वजन तो बढ़ाया है ना उसने। क्या बात है, पानी में वजन। एक मस्त वाला आइडिया आया है। इसको अपने पैरों से बांधेंगे, फिर पानी के अंदर जाएंगे और फिर दरवाजा खोल देंगे। लेकिन सांस कैसे लेंगे? तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने पानी में सांस लेने की कोशिश की लेकिन मुश्किल है। सिंपल है, हम एक बैरल में अंदर जाएंगे और अंदर सांस लेंगे। जानते हो, ये मैंने एक किताब में पढ़ा था। क्या? सच में मैंने पढ़ा था। यार चलो। इस सबमरीन से अपने प्लेनेट पे वापस जाऊंगा। रुको, मैं भी आता हूँ। बाहर कौन जाएगा? मालूम था मुझे जाना होगा। पानी बैरल के अंदर कैसे नहीं आ रहा ये? पैसे की वजह से भाई, मैं भी किताबें पढ़ता हूँ समझे ना। अरे भाई मेंढक, मेंढक की तरफ पैर चलाओ। बच्चे, एक तो मैं सांस नहीं ले पा रहा, ऊपर से तो खींच रहा। सबमरीन में ड्राइवर नहीं होगा तो मैं जाऊंगा कैसे? हो ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ। देखो, डाल्टन्स ने अपने अच्छे संस्कार दिखाकर हम सबकी मदद की है। बहुत अच्छे, ये टीम वर्क का अच्छा एग्जाम्पल है। हम सब जेलवासियों की तरफ से शुक्रिया। क्या शुक्रिया? और काय का शुक्रिया? और बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी सबमरीन कहाँ खो गई? क्या मेरे प्लेनेट में पहुँच गया या मैं किसी और के प्लेनेट पर पहुँच गया हूँ? बचाओ! क्या आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? मैं इसी प्लेनेट का रहने वाला हूँ। बस थोड़े दिनों के लिए बाहर घूमने गया था लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा है ना, चलो खाना खाते हैं। मेरे प्यारे कैदियों, एक खुशखबरी है, आप लोग यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। काम करने के लिए एक रेल रोड कंपनी को अपनी नई लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स चाहिए। आप थक जाएंगे, पैसे तो बिल्कुल ही नहीं है और आप लोग नींद को तो भूल ही जाना। मुझे स्केप्स प्लान को बढ़ावा नहीं देना है। तो कौन कौन करना चाहेगा? हम करेंगे डाल्टन। वाह जो डाल्टन, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरे पास आओ, एक अति
एक अतिकल अतिकल अरे एक मस्त वाला आइडिया है, इधर आ। समझ गया भाई, चिंता मत करो तुम, एक बार हम बाहर गए तो पहला मौका देखते ही भाग जाएंगे। मेरे भाई इतने समझदार क्यों नहीं है? अरे जब पटरियां हम बना रहे हैं तो हम उसका रास्ता चेंज करके जेल के आर पार निकल सकते हैं। जब काम हो जाएगा तो ट्रेन पकड़ेंगे और आजाद है। एंटी काल्पनिक विचार। ट्रेन में खाने का डिब्बा तो होगा ना? जैक मेरी तरफ से एक मस्त बजाओ। थैंक यू, थोड़ा आराम कर लो, कल बहुत मेहनत करनी है। उठ जाओ डाल्टन्स, हमें बहुत दूर तक जाना है। सब मेरा नाम है प्रिया पटरी वाला और मैं ये रेलवे ट्रैक्स की चीफ इंजीनियर हूँ और तुम सब मेरी निगरानी में काम करोगे, समझ गए? ये तो और आसान हो गया। माँ भी लड़की है, वो इतनी आसान नहीं है। माँ लड़की नहीं है, वो हमारी माँ है। साइलेंस टिंगूचान, मैं बता रही हूँ कि मेरी निगरानी में मुझसे सहन नहीं होते हैं दुबले लोग, छोटे लोग, आलसी लोग और तुम तो सबका मिश्रण हो। काम बिल्कुल इजी है, तुम्हें पटरियाँ रेल रोड कंपनी के मैप के हिसाब से लगानी होंगी। वैसे यहाँ से जेल कौन सी तरफ है मैडम? पश्चिम की तरफ, वहाँ, और हम जा रहे हैं पूरब की तरफ। चलो अब काम पर लगो टिंगू चंद। तैयार हो भाइयों? चलो इस नक्शे का थोड़ा नक्शा बदलते हैं। बात है, तुम चारों को सीधा जाना नहीं आता क्या? मैप को फॉलो करो, जल्दी से पटरियां उठाओ और काम पर लग जाओ। मैप मैप मैप, मैप ने तो दिमाग खराब कर दिया। आ जाओ। मैम आपके लिए गर्मा गर्म कुरियर आया है, देखिए। ओ, ये कितना क्यूट है, किसी बच्चे ने ड्राइंग बनाई है। ये कोई ड्राइंग नहीं है, ये नया मैप है जो भेजा है रेल रोड कंपनी वालों ने, अभी ये फॉलो करना। देखिए यहाँ कंपनी का सील भी है। मैप में चेंजेस है, अब हम जाएंगे पश्चिम की तरफ। कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? मुझे डायनामाइट पसंद है। पापा डाल्टन्स जेल में नहीं है तो कितना मजा आ रहा है। रेल रोड सीधा सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या कहा? अब चौंक ना मत, लेकिन नए मैप के हिसाब से रेल की पटरी जेल से होते हुए जाएगी। लेकिन 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 जी हाँ, तुम्हारे जेल को ट्रेन की आदत डालनी पड़ेगी। चलो ये वाली पकड़ते हैं। इसके बाद वाली पकड़ते हैं। इसके बाद वाली पकड़ेंगे, 2 बजे वाली। लगता है आज जल्दी आ गई। स्पेशल डिलीवरी टिकट प्लीज। जी वो तो मैंने कहा था टिकट्स लगेंगे हमें। बस बहुत हुआ, मैं फोन करता हूँ, या तो स्टेशन रहेगा या तो जेल। मेरे पास एक संस्कारी आइडिया है। चलो हम 10 बजे वाली पकड़ेंगे। तुमने टिकट्स ली क्या? मुझे फैमिली डिस्काउंट भी मिला।
ये तो जा रही है, ट्रेन छूट जाएगी। अरे बंदू, इसके लिए समय नहीं है। टाइम पे पकड़ ली। सुहाना जेल यात्रा में आप सबका स्वागत है। क्या मजाक है, भूलना मत जाते वक्त दरवाजे पे चंदा देते जाना। एक जेल थीम पार्क, क्या आइडिया सोचा है आपने मिस बेटे? ये तो बस मेरे और मेरी माँ के संस्कार हैं। एवरल, तुमने ये टिकट्स कहाँ से ले? जेलर साहब से मेरे भाई। ओ देखो बेटा, जेल के असली कैदी है। मेरे साथ ही क्यों, हर बार मेरे साथ ही क्यों? मजाक कर रहे हो क्या? मैंने 46 किलो साबुन का भी ऑर्डर दिया था। सरकार खर्चे में कटौती कर रहे हैं जेलर साहब, मालूम लगता है इस महीने भी कोई नहीं नहा पाएगा। हमारे संस्कार नहीं है। एक आइडिया है, क्यों ना कैदियों को साबुन बनाना सिखा दे, वो अपना साबुन खुद बनाकर नहा सकेंगे। परफेक्ट, और तब तक मैं इस कटौती का कुछ रास्ता निकालता हूँ। साबुन बनाने के लिए चाहिए पर मैं पर्सनैलिटी नहीं, एवरल परफ्यूम। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट और ग्रीस भी चाहिए, और तेल तो किचन में से ही मिल जाएगा। ओह, लिखा है कि यही ऊप्स, ये हमारे संस्कार। हम जेल उड़ा देंगे। ध्यान दो ताकि हम ढेर सारा साबुन बना सके, समझे? समझाता हूँ। बड़े संस्कारी हो जो। ये साबुन तो काफी टेस्टी है भाई। बुलबुले बनाना बंद करो और जितने ज्यादा हो सके उतनी टिकिया बनाओ, रात को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। ज्यादा, हमेशा ज्यादा, हर बार भाई को ज्यादा क्यों चाहिए होता है? मुँह से बुलबुले निकाल रहे हैं, कैसा हुनर लेके पैदा होते हैं। तुम लोग संभालना वरना ये फट जाएगा। पक्का? ये तो साबुन है। चुप हो जाओ, मैंने कहा ना ये फटेगा, और आज रात को ही फटेगा। बाकी तीन भाइयों में क्या टैलेंट हो सकता है देखना पड़ेगा। तैयार। क्या साबुन फटा क्या ना? लेकिन क्या हल करे? सैम से पूछ सकते हैं, उसे सब पता होता है। अरे जो हकलाता है वो। तो ये है इसके पैदाइशी होने का राज। ओ नहीं, ये तो सिम कार्ड। नहीं, ये सिम क्या है? हाँ, सिंपल है, बस इसमें टाइम लगता है। जाने दो सैम, हमारे पास 700 साल जितना वक्त नहीं है। थैंक यू सो मच। काम करते हैं, आज रात मिस बेटी की बुक चुराते हैं, उसमें बॉम्ब की कोई रेसिपी जरूर होगी। उसे गिरने मत देना। गोचो, तुम कितना खाना खाते हो? ज्यादा नहीं, बस सैंडविच, बर्गर, ओट्स, नूडल्स, चपाती, दाल, चावल, तीखा मसाला, पापड़ और कुछ 20-25 साबुन की टिकिया। मुझे लगता है मिर्च मसालों की वजह से साबुन का फ्लेवर बदल गया। मेरे लाडले भाई, तुम तो होशियार निकले। और दिखाता हूँ, ये वो पदार्थ। देखो भाइयों, साबुन में लाल मिर्च मिक्स करेंगे तो एवरल के पेट में आग लगेगी। चलो भाई, पेट में जगह बनाओ और ये खाओ, ज्वालामुखी बनाओ। जल्दी दरवाजे की ओर पकड़ के रखना।
ये तो नहीं फट रहा, आग क्यों नहीं निकल रहा है? शायद मिर्च इतनी तीखी नहीं होगी मेरे भाई। इस बुलबुले से दरवाजा खोलो। हवा में उड़ने का हुनर तो कबूतरों के पास भी होता है वह। ऐसा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन हम आजाद हो गए। क्या साबुन सुनामी? डाल्टन्स लोग आधी रात को कोई नहाने जाता है का? इतना सारा साबुन? मजा आ गया, हमारे जेल को स्वच्छता में फर्स्ट प्राइज मिला है और कटौती भी हटा दी गई है, सब तुम्हारी वजह से डाल्टन्स। दस दस दिन तक नहाते नहीं और फर्स्ट प्राइज। तुम्हारे भाग जाने का सपना हमेशा बुलबुलों की तरह फट जाएगा। बुलबुला फटेगा। गेस करता हूँ डाल्टन्स ने लगाई है। नहीं, इस बार ताराचंद ने लगाई है। ताराचंद हमारी जेल कोई लैब नहीं जहाँ तुम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सको। वैसे तुम्हें साइंटिस्ट बनाया किसने? प्रोफेसर सूर्यचंद ने बनाया है। जाओ इसे काल कोठरी में बंद कर दो। लेकिन जेलर साहब, ये बहुत ही प्रख्यात और संस्कारी और अमीर साइंटिस्ट ताराचंद है। अगर इसने जेल में रहकर कोई संस्कारी डिस्कवरी कर ली तो हमारा बड़ा नाम हो जाएगा। और प्रमोशन भी। मेरे प्यारे ताराचंद, मैं तुम्हें एक लैब बना कर देता हूँ, तुम वहाँ अपनी डिस्कवरी पे काम करना। वैसे तुम्हारा ये नया प्रोजेक्ट है किस बारे में, जरा हमें भी बता। मैं एक आविष्कार पर काम कर रहा हूँ जो हमारी गरीब और कैद दुनिया को स्वर्ग की तरह आजाद बना देगा। क्या किसी ने कहा आजादी? हम तुमसे सौदा करना चाहते हैं। ताराचंद, ताराचंद, तुम्हारे लिए एक संस्कारी सरप्राइज है। तो बोलो क्या कहते हो, हाँ या ना? मैं तैयार हूँ। ताराचंद, ये है तुम्हारी नई लेबोरेटरी। डाल्टन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये है मेरे नए असिस्टेंट। तुम्हारे असिस्टेंट? हाँ, हमें साइंस पसंद है ना, यकीन नहीं होगा लेकिन मेरा आईक्यू बहुत स्ट्रांग है। कितना बीमार, टूटता नहीं है। आईक्यू का फुल फॉर्म पता भी है क्या? ये लोग मेरे वापस आने के लिए स्पेसशिप बना रहे हैं क्या? तो क्या यह आविष्कार हमें आजाद कर देगी? हाँ, सिर्फ तुम्हें नहीं, जो सारी मानवता को। अरे लेकिन इसकी बत्ती क्यों नहीं जल रही? अगर बत्ती चलानी है तो साइकिल चलानी पड़ेगी। रोशनी, मुझे रोशनी दिख रही है। तो पहले क्या तू अंधा था? और तेज चला लंबू, ये कोई गेम नहीं, रात के खाने के बारे में सोचो। मेरा आविष्कार आखिरकार कामयाब हो गया। हाँ, कुछ ज्यादा है। तुम ठीक तो हो ना भाई? एक मस्त वाला आइडिया है।
मैं समझाता हूँ, हम हमारे शरीर पे बल्ब लगाएंगे, रोशनी से हमें कुछ देख नहीं पाएगा और कुछ देख नहीं पाएगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। कोई शक? क्या बात है भाई? अरे भाइयों, मेरे कपड़े को देखो। मालूम क्या, तुम और भी ज्यादा घटिया लग रहे हो। लेकिन ताराजन का क्या? रास्ते से हटाना होगा। शुक्रिया। शुक्रिया। साइकिल स्पेसशिप उड़ानी थी घोचू। अलविदा साइंटिस्ट ताराचंद, चलो भाई चलते हैं। जागते रहो, डाल्टन्स भाग रहे हैं और इस बार नहीं पकड़ पाओगे। जागते रहो। खेलने की कोशिश मत करना जो। घंटा करी का पहने हुए फैंसी ड्रेस का है। अब रोल अपनी साइकिल चला भाई। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा मुझे। हम आजाद हो गए भाइयों, आजाद हैं। मेरा आविष्कार। इस रोशनी का पीछा करेंगे। उन्होंने मेरा आविष्कार चुरा लिया है। मेरे अंतरिक्ष वाले दोस्त मुझे लेने आ गए। बस करो, अब काफी दूर आ गए। वो रोशनी का पीछा कर सकते हैं और अब शरीर भी चल रहा। बस करो। अरे लेकिन मेरे पैर ही नहीं रुक रहे भाई। बस कर दो भाई, मुझे झटके लग रहा। अरे जाकर भी कुछ नहीं कर सकता तो बताओ अब मैं क्या करूं। बस अब जाओ और उन्हें वापस लेके आओ। भागने में एक बार और फेल। तुम चोर हो, मेरा आविष्कार चुरा के मेरा पैसा हड़पना चाहते थे ना? हाँ बताओ। इसका मतलब तुम ये सब मानवता के लिए नहीं कर रहे थे, असंस्कारी। अब मैं पैसे बांटूंगा भी नहीं। अपने दोस्त के साथ भी नहीं? नहीं। अगर मैं तुम्हें परमिशन ही नहीं दूंगा तो तुम ये अपना आविष्कार बेचोगे किसे? और इस आविष्कार की वजह से तुम रात को भी पत्थर तोड़ सकोगे। मुझे तो डाल्टन्स की संस्कारी याद आ रही है, कहाँ चले गए वो? डाल्टन्स एक्चुअली वो थोड़े बिजी हैं। चलो भाई थोड़ा और तेज चलाओ। समझ में नहीं आता और मर पाए क्यों? ओह, आज शुक्रवार का दिन है। हर शुक्रवार को सूप बनाना यही हमारे संस्कार है। हाँ, मुझे सूप पसंद है। पूरे शरीर को ताकत मिलती है और पेट भरा हुआ हो तो भागने का ख्याल भी नहीं आता। मुझे भागना है, मुझे भागना है, मुझे भागना है। वाह, क्या बात है, एवरल को आज किचन में ड्यूटी मिली है। मेरे फेवरेट सूप का दिन है आज। खाने की कोशिश करना वरना डिनर में पत्थर दूंगा तुम्हें। मैं सब्जी लेकर आता हूँ, तब तक तुम पानी उबाल देना, समझ गए ना लंबू चंद? पालक, अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे अचानक खुजली क्यों आ रही है? खुजली सहा नहीं जा रहा। एवरेट, ये लो ये पत्तियां सूप में डाल दो जल्दी। अरे नहीं, रेसिपी का ये हिस्सा नहीं है। चिंता उतना करो, कोई शक? आ जाओ भाइयों, आज सुपर लिमिटेड है।
कामों की मत करो, पहले तुम्हारे जेलर को तो चखने दो। अरे मैं भी तो चख लूं। अरे लेकिन मुझे भूख लगी। खा सकता इसे घोचो। देखो वो पत्तियों ने इन पर क्या असर किया है। जेलर साहब, अगर लोहे की चीज हो तो मजा ही आ जाए, जैसे कि चाबे। जल्दी चलो। डाल्टन्स भाग रहे हैं। चलो खुजली, अब मेरा मतलब जल्दी करो। हम लोग आजाद हैं, अब हम लोग आएंगे। अरे मैं सैंडविच लाया हूँ। इसका स्वाद बिल्कुल आजादी की तरह है। अरे नहीं नहीं, ये तो सूप से बने हैं। चक्कर। गांव का सरदार वही मदद कर सकता है। इसका मतलब जेल में सभी की यही हालत है। इन्हें बिजी रखो, मैं जेलर को जेल में मिलकर आता हूँ। लकी हो तुम, जादूगर जोजो के पास इस बीमारी का जादुई इलाज है। खुजली हो रही है। तुम्हें खुजलेरिया हो गया है। खुजलेरिया? ये कैसी बीमारी है? हाँ, खुजलेरिया संक्रामक बीमारी है। पहले खुजली शुरू होती है, फिर वो दिमाग तक पहुंच जाती है, और खुजाते खुजाते उंगली एक कान से दूसरे कान पार हो जाती है। क्या कोई संस्कारी इलाज है? लकी हो तुम, जादूगर जोजो के पास इसका जादुई इलाज है, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें देनी होगी। जो भी है, फर्क नहीं पड़ता। हर शुक्रवार को हम सूप पीने आएंगे, जेल के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, मिस पेटी के ट्यूशन आएंगे, और तुम्हारे कंट्री क्लब के लाइफ टाइम मेंबर्स बन जाएंगे। गोबर का लेप लगाना होगा, इससे स्किन सॉफ्ट बन जाती है। अरे वाह, खुशबू तो अच्छी आ रही है। काय का, यहाँ तो खुजली बढ़ती जा रही है। क्या बात है, खुजली बंद हो गई। इसका इलाज सिर्फ एक ही बार होता है, फिर से खुजलेरिया हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लाइफ टाइम खुजाते रहना पड़ेगा तुम्हें। जब तक सरदार वापस नहीं आते, ये ऐसे ही नाचते रहेंगे। ऐला दिमाग का इस्तेमाल। बस अब बात हुआ, सच्चा जादुई इलाज बताओ कोचो। तुम्हें खुजली मिटाने वाली जड़ी बूटी खानी होगी। अरे वो जो हमारे जेल में उगती है क्या? हाँ लंबू चंद, जल्दी जेल वापस चलो। नहीं, तुम्हें खुजलेरिया हुआ है, इसीलिए तुम अंदर नहीं आ सकते। लेकिन हमने तो इलाज करवा लिया जेलर साहब। हमें अंदर जाना ही होगा। रसोईया आ गया, दरवाजा खोलो। यही मौका है भैया। वो जड़ी बूटी ढूंढना चालू करो। सावधान डाल्टन। कम से कम हम सुरक्षित रहेंगे। एक बात कान खोल के सुन लो, जड़ी बूटी मिले तो ही अपनी शक्ल दिखाना। यहाँ यहाँ एक आखिरी पौधा है। फिर से एक पहले के। अरे पौधा नहीं विलियम, आखिरी पत्ता। No!